नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंग की लोक गाथा से जुड़ी विषहरी पूजा को लेकर भागलपुर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। मनसा देवी को भक्तों ने चढ़ाया डलिया। ब्राउन शुगर कारोबार से जुड़े 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी SP बोले नशेड़ियों पर है पुलिस की नजर। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। पशु को बचाने के क्रम में बिगड़ा था संतुलन। और IMA हॉल में हुआ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। विषहरी पूजा के अवसर पर बुधवार को भागलपुर के चंपानगर समेत तमाम विषहरी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। एक ओर जहां सभी विषहरी स्थान में भक्तों ने भगवान शिव की मानस पुत्री मां मनसा देवी और माता विषहरी के सभी रूपों की पूजा की, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हुए पूरे विधि विधान से पूजा का जयकारा लगाया। भागलपुर के प्रसिद्ध और प्राचीन विषहरी स्थान चंपानगर में भागलपुर के अलावा आसपास के कई जिलों से पहुंचे भक्तों ने मां मनसा के विषहरी स्वरूप और सती बिहुला की भी पूजा कर सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान चंपानगर विषहरी मंदिर में डलिया चढ़ाने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ जुटी रही, जबकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों की कतार लगाकर पूजा की व्यवस्था की गई थी। दरअसल विषहरी पूजा अंग जनपद के चंपानगर की लोक कथा से जुड़ी है और इसी को लेकर भागलपुर में बिहुला विषहरी की पूजा की जाती है। बता दें कि पूजा समारोह के दौरान बुधवार की रात्रि प्राचीन चंपा के व्यापारी चांदू सौदागर के पुत्र बाला लखिंद्र की बारात निकाली जाएगी और मध्य रात्रि में बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से बाला लखिंद्र के विवाह के बाद मनसा देवी के द्वारा भेजे गए सर्प के सर्पदंश से बाला की मौत हो जाती है और इसके बाद बिहुला ने अपने सतत्व और कठोर प्रयास के बाद मां मनसा देवी और भगवान शिव की कृपा से अपने पति को पुनर्जीवित करने में सफलता पाई। इधर चंपानगर विषहरी मंदिर को जहां भव्य रूप से सजाया गया है, वहीं अलग अलग देवी देवताओं और मां विषहरी के अलावा कई तरह की प्रतिमा भी सजाई गई है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय विषहरी पूजा समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल ने कहा कि भागलपुर और पुलिस जिला नवगछिया में 100 से अधिक विषहरी मंदिरों में प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है, जबकि कई विषहरी मंदिरों में केवल भगत पूजा होती है। उन्होंने कहा कि 17 और 18 अगस्त को माता विषहरी और सती बिहुला की पूजा कर डलिया चढ़ाने की परंपरा है, जबकि इसके बाद शनिवार को कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि चंपानगर स्थित मुख्य विषहरी मंदिर और नाथनगर क्षेत्र की अधिकतर प्रतिमाओं के विसर्जन गुरुवार की देर रात्रि शुरू होगी, जबकि शहर के अन्य सभी प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार की दोपहर कतारवत होकर शुरू होगी। साथ ही उन्होंने विसर्जन रूट के सड़कों की मरम्मति भी प्रशासन द्वारा कराए जाने की बात करते हुए कहा कि विषहरी पूजा समारोह को लेकर पूजा समितियों को जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से हर तरह से सहयोग का भरोसा दिलाया गया है, जबकि पूजा के साथ विसर्जन शोभा यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मनसा बिहुला विषहरी पूजा समिति के लोगों ने हाउस की बैठक की। हाउस की बैठक में पूरे भागलपुर में जितना भी स्थानीय भगत पूजा होता है और मूर्ति पूजा, दो तरह से लोग यहाँ करते हैं और लगभग 100 से ऊपर नवगछिया और भागलपुर और दोनों मिला करके 100 से ऊपर जगह लोग अपना पूजा अर्चना करते हैं। चंपानगर के क्या स्थान? और चंपानगर वह मुख्य मंदिर है, अंग की यह धरती है, वहीं से यह कहानी स्टार्ट हुआ है और उस पार जाकर के कहानी समाप्त हुआ है नवगछिया। विसर्जन को लेकर क्या तैयारी? विसर्जन की तैयारी है कि 16 के रात में मध्य रात्रि में कलश स्थापना हो गई है और 17 और 18 दो दिन डलिया पूजा होता है। 18 के मध्य रात्रि में नाथनगर मंदिर की प्रतिमा 12 बजे विसर्जित होती है। आज इस मनसा देवी के मंदिर जो कि इस पूरे भारतवर्ष का ये उद्भव स्थल है, अंग प्रदेश का ये चंपा नगरी, यहाँ पर विषहरी पूजा का जो है बहुत धूमधाम से आयोजन किया जाता है। आज के दिन जो है इस विषहरी माता का जो आयोजन बहुत ही श्रद्धा भक्ति से लोग यहाँ पे प्रारंभ कर दिए हैं। कल ही रात को जो है यहाँ का पट खुल गया था और आज सुबह से ही
लोग दलिया चढ़ाने की प्रथा है, दलिया लेकर के बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ श्रद्धालु अपने अपने डलिया को लेकर के अपना अपना जो है माँ मनसा से अपनी ममता को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भागलपुर के सिटी एसपी सौरभ प्रभात ने बुधवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राउन शुगर मामले में गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मियों की जानकारी दी। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिकाबगंज के रहने वाले ब्राउन शुगर के थोक कारोबारी ऋषि कुमार सिंह और मोहम्मद सैफी खान, बबरगंज थाना क्षेत्र के अजय कुमार, मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र हुसैनपुर निवासी मोहम्मद प्रिंस के अलावा बांका के करहरिया निवासी बिहारी यादव गौरव कुमार और लकड़ी कोला के अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से करीब 2,00,000 रुपये के 140 ग्राम ब्राउन शुगर, 35,000 रुपये कैश, 11 मोबाइल, 3 बाइक, 2 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 10 लाइटर के साथ 2 पर्स भी बरामद हुआ है। सिटी एसपी ने कहा कि बांका का बिहारी यादव और अविनाश यादव पूर्व में भी जेल जा चुका है, जबकि भागलपुर के रिकाबगंज निवासी सत्यनारायण सिंह का 28 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार सिंह भी जोगसर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर मामले में पहले भी जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा था। साथ ही सिटी एसपी सुरेंद्र प्रभात ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्राउन शुगर के कारोबारियों और नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस एक्टिव है और किसी भी स्थिति में अपराध और अपराध कर्मियों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। 16 तारीख कल शाम में ततारपुर थाना एरिया में एक सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का एक बड़ा विक्रेता है और वो ब्राउन शुगर लेकर बेचने की फिराक में है। तत्काल एएसपी सिटी और थाना अध्यक्ष ततारपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से इनका जो मुख्य लीडर है ऋषि कुमार सिंह, ये बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आता है और यहाँ के जो लोकल सेलर हैं उनको बेचता है और वो अपने मोहल्ले में जा जाकर बेचते हैं। सभी 7 जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से अभी तक 4 लोगों का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया है, बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास भी प्राप्त किया जा रहा है। पहले भी ये लोग ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में जेल जा चुके हैं। ऋषि कुमार सिंह जो मुख्य सरगना है वो 21 दिसंबर को ही जेल से छूटकर बेल पे आया था, इसको फिर से पकड़ा गया है। भागलपुर के नवगछिया पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार से आ रही बाइक के सामने आए पशु को बचाने के क्रम में बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सवार युवक की सड़क पर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वारसलीगंज निवासी के रूप में हुई है, जबकि घटना को लेकर बाइक चालक शिवम कुमार ने बताया कि वह अपने मित्र के साथ भागलपुर से नवगछिया जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर उसकी बाइक के सामने गाय आ गई, जिससे बचाने के प्रयास में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक गाय से टकरा गई, जिससे बाइक के पीछे बैठे उसके साथी के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए भागलपुर माइगन अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। नवगछिया कहाँ पर? नवगछिया चौक पे। किस चीज से? बाइक चला रहे थे, वो आगे में गाय आ गया। उससे टकराने के बाद हम आ गए, वो भी टीशर्ट पे जा गए। मतलब गाय आगे अचानक आया जिसके चलते उसके आगे। कहाँ जा रहे थे तुम लोग? नवगछिया नहीं, ऐसे ही गए थे घूमने के लिए। क्या नाम था? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर एवं आयकर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को आईएमए हॉल में चिकित्सा जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन आईएमए के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह, आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अवलोकिता, रतन कुमार संथालिया इनकम टैक्स ऑफिसर, रितिन कुमार, डॉक्टर सोमेन चटर्जी और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में डॉक्टर अवलोकिता ने रक्तदान करने के बाद इसके महत्व और लाभ के से जानकारी दी। वहीं डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए एबीसीडी को जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ए से अल्कोहल नहीं लेना है, बी से बीएमआई पर ध्यान रखना है, सी से सिगरेट का सेवन नहीं करना है और डी का अर्थ है डाइट पर ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने इसे एक्सरसाइज पर भी जोर देने की बात कही। मौके पर डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखना जरूरी है। वहीं शिविर में 105 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर संजय कुमार निराला, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा समेत के चिकित्सक ने मरीजों को परामर्श दिया, जबकि फार्मा कंपनी की ओर से निशुल्क दवा वितरण किया गया। मौके पर सैयद जीजा हुसैन, विश्वजीत चौधरी, नैयर अहमद, आशीष कुमार समेत विभिन्न फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसका उद्देश्य आयकर विभाग ने हम लोगों से अनुरोध किया
साथ में हम लोग का जो मोटो होता है कि आगे जागरूकता फैलाएं, ये जागरूकता के लिए शुरू है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते वक्ली खबर की ओर। भागलपुर के चंपानगर नरगा कोठे स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। इस दौरान पंचम कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के सचिव उपेंद्र रजक, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपेंद्र रजक ने कहा कि भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कंस के अत्याचार का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी एवं भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। वे प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि भारत अपने धार्मिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक त्योहारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमेशा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। साथ ही कहा कि भारतीय पर्व के इस क्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव विशेष महत्व रखता है। इधर कार्यक्रम में बच्चों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें राधा कृष्ण झांकी भजन और यशोदा मैया के साथ की अटखेलियों को दर्शाया गया। मन संचालक शशिभूषण मिश्र ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अंजू रानी ने किया। मौके पर जितेंद्र प्रसाद, मनोज तिवारी, शशिभूषण मिश्र, सुप्रिया कुमारी समेत विद्यालय के अभिभावक एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भागलपुर पंखा टोली चौक के समीप हल्दीबाड़ा में आजादी एक नियमत विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा काफी संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दावत इस्लामी इंडिया के जिला प्रभारी मोहम्मद शाकिब रजा अत्तारी ने संस्था द्वारा शुरू किए गए ग्रीन इंडिया अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दावत इस्लामी ने देश भर में 1,20,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर 15 से 21 अगस्त तक पौधारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है। मोहम्मद शाकिब ने कहा कि जश्न आजादी के अवसर पर पौधा लगाना है, पेड़ बनाना है थीम पर काम किया जा रहा है और भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों से भी प्रत्येक माह एक पौधा लगाने की अपील की जा रही है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया गया, जिससे देश में करोड़ों पौधा लगाकर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सके। कार्यक्रम में दावत इस्लामी इंडिया के कई विद्वान वर्चुअल रूप से जुड़े और अभियान में आम लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया। वहीं उलेमाओं ने बताया कि आजादी एक नियमत है और इस नियमत को बचाने के लिए सभी देशवासियों को अपना कर्तव्य निभाना होगा और इसके लिए पौधारोपण भी जरूरी पहल है। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया, साथ ही मुल्क में अमन, चैन और
तरक्की की दुआ मांगी। मौके पर मौलाना शाकिब मदनी, मोहम्मद तारिक अख्तर शाहबाजी, शाहिन खान समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज़ादी एक नियमित प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंग की लोक गाथा से जुड़ी विषहरी पूजा को लेकर भागलपुर के मंदिरों में उमड़ी भीड़। मनसा देवी को भक्तों ने चढ़ाया डलिया। ब्राउन सुगर कारोबार से जुड़े 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी एसपी बोले नशेड़ियों पर है पुलिस की नजर। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। पशु को बचाने के क्रम में बिगड़ा था संतुलन। और आईएमए हॉल में हुआ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किया रक्तदान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।